हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज आपके लिए मैं फ्लिपकार्ट से ये एक ड्रॉअर सेट लेके आई हूँ। इसके अंदर 5 शेल्फ्स मिले हैं, 704 रुपये का मुझे मिला है इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्जेस, और ये मुझे विद इन 1 वीक रिसीव हो गया था। इसके अंदर ये मुझे होल्डर मिले हैं और शेल्फ्स के जो कलर हैं बहुत ही अच्छे हैं, मटेरियल बहुत अच्छा है इसका, बिल्कुल भी चीप मटेरियल या सस्ता मटेरियल नहीं है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हमें इन होल्डर्स के साथ इनको 1 बाय 1 सेट करना है। जब भी मैंने ये ऑर्डर किया था तो मुझे लग रहा था कि शायद ये इसके जो कलर हैं वो पता नहीं मुझे जैसे दिखा रहे हैं वैसे रिसीव होंगे कि नहीं, बट ये सच में इसके जो कलर हैं वो बहुत अच्छे हैं। एज़ इट इज़ जैसे आपको पिक्चर में दिखाया गया है वैसे के वैसे ही मुझे मिले हैं। प्लास्टिक मटेरियल का इसका बहुत ही अच्छा है, और जैसे इसको सेट करना होता है, ये DIY है, डू इट योर सेल्फ, आपने इसको खुद से सेट करना है। बड़े से बॉक्स के अंदर मुझे डिलीवर हुआ था, जो कि आपने फर्स्ट स्टार्टिंग में ही वीडियो के देखा है, तो इसको आपने इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। इसको जो इसलिए हिल रहा है क्योंकि जो हमारा फर्स्ट शेप है वो थोड़ा इक्वल नहीं है, तभी ये थोड़ा सा हिल रहा है, अदरवाइज़ ये इसका जो बेस है वो प्रॉपर अच्छा बेस है। तो इसको जब भी मैंने लिया था, मैंने इसको विद इन 1 वीक के अंदर मुझे रिसीव हो गया था। तो उसके ऊपर ये कि इसका कवर भी आता है, तो इसके साथ कवर से जो ऊपर का सबसे टॉप वाला होता है वो उससे कवर हो जाता है। नीचे इसको ये इसके बेस भी मिले हैं, ताकि कोई भी डस्ट वगैरह इसके पाइप होल्डर्स के अंदर ना जाए। तो जैसे कि आप वीडियो में देख ही रहे हो कि मैंने इसको पूरा सेट कर लिया है, तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा है। जो डिफरेंट डिफरेंट कलर में फ्लिपकार्ट में ये वहाँ पे ये अवेलेबल है, ये मीशो पे भी है। मीशो का मैं थोड़ी डाइसी थी कि वहाँ का मटेरियल कैसा होगा, तो इसलिए मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। तो ये जो कंपार्टमेंट हैं इनमें बहुत ज़्यादा स्पेस है, आप बहुत सामान रख सकते हो, घर का कुछ भी, तो बुक्स वगैरह रख सकते हो। तो इसकी मटेरियल बहुत ही अच्छा है, कलरफुल है, बहुत अच्छा लग रहा था पड़ा हुआ। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो मेरी तरफ से थम्स अप है, आप इसको ले सकते हैं। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।